शहनाज कौर गिल बिग बॉस सीजन 13 की सबसे ज्यादा चुलबुली सदस्य हैं, जिन्होंने सबको अपनी अदाओं से अपना दीवाना बना लिया है। शहनाज गिल ने इन 3 महीनों में अपने लाखों करोड़ों फैंस को अपने पीछे पागल कर दिया। लेकिन वहीं अब शहनाज फैंस के लिए एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर सामने आई है। लेकिन हम आपको सबसे पहले एक अच्छी खबर शहनाज से रिलेटेड सुनाएंगे और उसके बाद एक बुरी खबर बताएंगे। अच्छी खबर ये है कि मॉल टास्क हो गया था कैंसिल। जी हाँ, ये सब झूठ था, क्योंकि कलर्स टीवी में इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर की थी कि ये मॉल टास्क फेक है। बता दे, अगर ये टास्क होता तो यहाँ शहनाज नहीं जा पाती, लेकिन अब ये कैंसिल ही हो गया, इसीलिए ये तो हुई शहनाज फैंस के लिए खुशखबरी। वहीं अगर अब बात करें शहनाज के फैंस के लिए एक बैड न्यूज की, तो वो ये है कि मॉल टास्क को सच मान लिया था और सभी फैंस इस मॉल टास्क में शामिल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर शहनाज फैंस इतनी तादाद में नहीं पहुंचे थे जितने रश्मि देसाई के फैंस, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस और आसिम रियाज के फैंस वहाँ आए थे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वहाँ आए हुए शहनाज फैंस के ऊपर रश्मि, सिद्धार्थ और आसिम के फैंस हावी हो रहे थे। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि शहनाज फैंस को ये पता था कि शहनाज वहाँ शामिल नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो ना आए हो। लेकिन ये भी बता दे, अगर शहनाज फैंस का ऐसा ही रहा तो आसिम, सिद्धार्थ और रश्मि से पीछे रह जाएंगी हमारी सबकी प्यारी शहनाज गिल। इसीलिए शहनाज फैंस, कोई मौका मत छोड़ो शहनाज को विनर बनाने का और फेम दिलवाने का, यही सबसे रिक्वेस्ट है हमारी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।